मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। CAA के खिलाफ मुंबई नागपाड़ा में मोरलैंड रोड पर 26 जनवरी से शांतिपूर्ण तरीके से महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही थीं, मगर आज नागपाड़ा पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं पर पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है। आज सुबह करीब भोर में 5 बजे पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं पर पुलिस ने बर्बरता की। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी महिलाओं ने धूप से बचने के लिए कपड़ा बांधा था जो पुलिस हटाना चाहती थी, और उसी वजह से पुलिस ने भोर में सुबह 5 बजे महिलाओं से बर्बरता की। महिलाओं ने बताया कि नागपाड़ा की सीनियर PI शालिनी के साथ कुछ पुलिसकर्मी सुबह करीब 5 बजे के वक्त पहुंचे और महिलाओं के साथ ये घटना सामने आई। महिलाओं का ऐसा भी आरोप है कि आखिर शांतिपूर्ण तरीके से अगर महिलाएं प्रदर्शन कर रही थीं तो उनके साथ पुलिस का इस तरह का बर्ताव क्यों किया गया, वो भी भोर में 5 बजे। कई महिलाओं ने बताया कि उनके साथ गलत बर्ताव पुलिस वालों ने किया है, मारपीट भी की है। क्या आखिर अब मुंबई जैसे शहर में पुलिस इतनी संवेदनशील हो गई है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ मारपीट, वो भी अंधेरे में। महिलाओं का ये भी कहना है कि जेंट्स पुलिस वालों ने महिलाओं के साथ धक्का मुक्की मारपीट की है, कई महिलाओं को चोट भी लगी है। उस वक्त का वीडियो देखें जब मुंबई के नागपाड़ा मुंबई शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ पुलिस किस तरह से कहर बरपा रही थी। महिलाएं खुद पुलिस पर आरोप लगा रही हैं कि पुलिस खुद कह रही थी कि मर जाओ, ये पुलिस कह रही है। पहले वीडियो देखें पुलिस ने किस तरह से कहर बरपाया, उसके बाद महिलाओं ने क्या बताया है, सुनिए। अरे जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, भागो ना आगे। अलाउड ही नहीं है। क्या कर रहे हैं सब, क्या कर रहे हैं यार, क्यों कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? अरे मैं बोल रहा हूँ, समझा नहीं, किचन तालियां कहीं लग जाने। बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, जेंट्स लोग ने हाथ लगाया, बोलो जेंट्स पुलिस ने कमरे में। आज मुंबई पुलिस का रिस्पेक्ट खत्म हो गया। आज मुंबई पुलिस के जेंट्स ऑफिसर लोग ने हमारी औरतों के पर हाथ डाल दिया, और बाद में जब मैं बचाने गया तो शालिनी मैडम बोलते हैं इसको अंदर डालो। ये गलत बात है, ये 6 बजे पहले कैसे डिटेन कर सकते, 6 बजे से पहले औरतों को कैसे डिटेन कर सकते, बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये शालिनी मैडम जो है ना गलत कर रही है, बहुत गलत है ये। ये देखो जेंट्स पुलिस ने औरत पे हाथ डाला, ये भाई ये औरत देखो बेहोश हो गई है, ये क्या होगा, ये संविधान है अपना, ये कानून है, ये कानून है ये। जेंट्स पुलिस हम लोग को सबको धक्का मारा, हम लोग को चोट लगा, मार लगा, जेंट्स पुलिस एकदम पार्टी अंदर लेके घुसा, देखो कैसा मार मार के कैसा सुझा दिया, पूरा लात लेके मारा, कोई हाथ से मार रहा, देखो पूरा बदन को हम लोग का फोड़ दिया, बोलते यहाँ पे बैठे क्यों निकलो यहाँ। आज लेडीज कॉन्स्टेबल जो है विदाउट उनके नंबर प्लेट भी नहीं है, नेम प्लेट नहीं है और उनके नंबर भी नहीं है। जो मोपो का नंबर होता है भला महाराष्ट्र पुलिस का, उनका कॉन्स्टेबल का नंबर भी नहीं है, तो नेम प्लेट भी नहीं है उसकी, आधे पुलिस के अंदर नेम प्लेट नहीं है, तो हमको क्या बताइए, पुलिस है या दूसरे लोग आए हैं? कोई सादे ड्रेस में आया था और वो आदमी इतनी जोर से खींच रहा है सारी लेडीज को पकड़ के, उसको हक किसने दिया है हम लोगों को हाथ लगाने का? उस टाइम पे कोई लेडीज को हाथ नहीं लगा सकता, वो जेंट्स अंदर आके हम लोगों को हाथ लगा के धक्का देके हम लोगों को खींच के निकाल रहा है। पूरी लेडीज लोग पूरे गिरे हैं, उन लोगों को आधे पूरे लोअर बॉडी से इतने बार मार लगे, जेंट्स पुलिस हंस भी रही है, पेट पे लात मारा है वो पुलिस वाले ने बड़ी बड़ी लेडीज को कमर पे लात मारे, उनको हम लोग लेकर जाना पड़ा है। शालिनी के सामने हो रहा है, उनके कहने पे हो रहा है, उनका फर्ज बनता था कि औरतों का प्रोटेक्शन, औरत के लिए क्यों खड़ा किया गया उनको, उनका काम क्या है? शालिनी शर्मा को भी सस्पेंड किया जाए, उनका शालिनी शर्मा भी थे और एक 30 शाह पुलिस वाले अंकल भी थे, वो दोनों हंस रहे हैं खड़े होकर।
हालांकि ये खबर जानकर ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस की याद आ गई है। मुंबई जैसे शहर में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार, हालांकि इस घटना के बाद इलाके में पुलिस के खिलाफ काफ़ी गुस्सा है। लोगों का ये भी कहना है कि कुछ पुलिस वालों के नेम प्लेट भी नहीं थे और बाकायदा जेंट्स पुलिस ने महिलाओं पर बर्बरता की है। लोगों ने उन पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।